विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी मोदी सरकार अंदर अध्यक्ष जी, आज आप लोग ये पुतला फूंक रहे हैं, गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के पहले वो कहती थी महंगाई आसमान छू रही है, आज मैं कहना चाहता हूँ महंगाई और भी ज्यादा आसमान छू जा रही है। सबसे बड़ा इसका कारण है पेट्रोल डीजल रसोई गैस ईंधन सारी चीजें बढ़ती जा रही है, जिससे कि नौजवानों को आने में संसाधन पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण भाड़े महंगे होते जा रहे हैं, जिससे हमारे छात्र अच्छे से विद्यालयों में जा नहीं पा रहे हैं, उनको अधिक से अधिक भाड़ा देना पड़ जा रहा है, जितनी उनकी पॉकेट मनी खर्च होती है महीने की उससे ज़्यादा तो वो भाड़े में दे रहे हैं, जिसका विरोध है महंगाई आती चली जा रही है। मोदी जी ने किया क्या? मोदी जी आए, उन्होंने बुलेट ट्रेन तो नहीं चलाया लेकिन महंगाई को बुलेट ट्रेन की स्पीड से चला दिया है, महंगाई जिससे आसमान छूती बढ़ती ही चली जा रही है, जिससे मेरा विरोध था। हम लोगों ने ये प्रदर्शन उन्हीं के खिलाफ किया। आज आप लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, क्या है बुरा मामला? आज हम लोग का प्रदर्शन अभिषेक चौबे जी के नेतृत्व में भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग भारत की जो सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो चल रही है, वो हर का मुकाम पे वो फेल हो गए हैं। उन्होंने GST लगाई जिससे हमारे बेरोजगार भाई मर रहे हैं, हम महिलाओं ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ जितना दुर्दशा इस सरकार में बेटियों का हो रहा है, हर दिन जो सामूहिक बलात्कार हो रही है, 8 साल से लेकर 4 साल से लेकर के 28 साल 30 साल तक की लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, इस पर किसी तरह का कोई लगाम अभी तक भारत सरकार ने नहीं लगाई। मेरा महिला होने के नाते उनसे ये निवेदन है कि हमारी जो बेटियाँ मारी जा रही हैं उनको बचाने का, पहले कोख में मारी जाती थी, आज खुलेआम सड़क पे मारी जा रही है, और ऐसा देश का भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि मोदी सरकार उस पर रोक नहीं लगा पा रही है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि हम गृहिणियों का घर में जीना मुश्किल हो गया, हम कैसे घर चलाएं, हम कैसे अपने परिवार का पालन करें, मोदी के कारण हमारे घरों में कैसे ऐसे गरीब घर है जिसके घर में खाना नहीं बन रहा है, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त किया जाए, मोदी को हटाया जाए, देश को बचाया जाए।